नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी खबरें वायरल होती है जो समाज के किसी वर्ग में हलचल पैदा कर देती है। कई बार वो खबरें सही भी होती है और कई बार फर्जी भी। इसी कड़ी में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वेबसाइट का स्क्रीनशॉट जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार साल 1990 से साल 2021 के बीच काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 1,20,000 रुपये देने जा रही है। वेबसाइट का दावा है कि ये रुपया श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा। वेबसाइट के इस दावे के बाद संबंधित लोग अपने अपने मंत्रालयों और विभागों में इस आदेश के बारे में सूचना भी मांग रहे हैं। अब भारत सरकार ने खुद ही इस पर पूरी जानकारी साझा की है। भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से गलत और फर्जी बताया है। फर्जी खबरों के बारे में बताने वाले भारत सरकार के ट्विटर हैंडल PIB ने ट्वीट कर कहा है कि श्रम मंत्रालय ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। PIB फैक्ट चेक ने ट्वीट कर कहा कि एक वेबसाइट दावा कर रही है कि 1990 से 2021 तक काम करने वाले कर्मचारियों को श्रम और रोजगार मंत्रालय 1,20,000 रुपये दे रहा है। #PIB फैक्ट चेक, ये दावा फर्जी है। श्रम मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इस तरह की फर्जी वेबसाइट से सावधान। अगर आपको भी किसी सरकारी स्कीम या नीतियों की सत्यता को लेकर शक होता है तो आप इसे PIB फैक्ट चेक के लिए भेज सकते हैं। इसलिए वन इंडिया भी आपसे अपील करता है कि इस तरह की कोई भी खबर आपके सामने आए तो आप उसे क्रॉस चेक जरूर करें, ताकि आपको गलत तरीके से कोई गुमराह ना कर सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।